हे गाइज, वेलकम बैक टू विजय ब्लॉग्स। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, वो थोड़ा सा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। जो पंच के साथ हमें म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है या इंफोटेनमेंट सिस्टम जो हमें मिल रहा है, इसमें जो जो इनबिल्ट फीचर्स हमें दिखाता है, तो उन फीचर्स का क्या यूज है उसके बारे में मैं आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और आई होप कि जब भी आप ये गाड़ी लेंगे या कहीं पे आप इस म्यूजिक सिस्टम को देखते हैं, तो वो आपके लिए उस समय हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा मिल जाता है आपको हरमन का जो म्यूजिक सिस्टम आपको पंच के साथ मिल जाता है, पंच एडवेंचर रिदम पैक के साथ आपको ये मिलेगा। तो इसमें देखिए, आप जब फ्रंट स्क्रीन में आते हैं ना, तो इसमें आपको जो आपकी करंट ट्रिप वगैरह है वो सब कुछ दिखा देगा, यानी कि इफिशियंसी या इको स्कोर जो मैंने आपको पहले बताया था वो दिखाता है। कॉल लॉक्स, क्योंकि मेरा फ़ोन यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ है, तो कॉल लॉक्स, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। नीचे एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करने के लिए दिखा रहा है और एप्पल कार प्ले से कनेक्ट करने के लिए दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें इसको आपको फ्रंट में मिल जाती है। इसके अलावा जब हम इसको नेविगेट करते हैं, देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे सामने आता है वो आता है एंड्रॉयड ऑटो का, यानी कि आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं तो अपने फ़ोन की ओरिजिनल जो केबल मैंने आपको बताया था उससे सिस्टम और फ़ोन को कनेक्ट करते हैं, तो आप इजीली इसमें नेविगेट वगैरह कर सकते हैं। और सेम चीज़ होगी एप्पल कार प्ले, यानी कि एप्पल यूजर्स के लिए भी होगी। वर्ड्स थ्री वर्ड, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन इसमें दी गई है। नेविगेशन करने के लिए काफ़ी बढ़िया एक टूल ये भी दिया गया है, मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए, ये आपको सब कुछ बताता है और इसमें एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन भी इन्होंने दिया है, तो मैं आपको सीधे वीडियो प्रेजेंटेशन इसमें दिखाता हूँ। ये मैंने इसको स्किप कर लिया और ये जैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, देखिए वीडियो। इंडिया इज मूविंग फास्ट बट पुअर ड्रेसिंग इज स्लोइंग अस डाउन, ड्राइविंग इज फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन मेनी ऑफ द बेस्ट प्लेसेस डोंट हैव एन एड्रेस, ड्यूप्लिकेट स्ट्रीट नेम्स आर कंफ्यूजिंग एंड मैप पिंस डोंट हेल्प अस फाइंड द राइट एंट्रेंस। टाटा मोटर्स एंड व्हाट थ्री वर्ड्स हैव द सॉल्यूशन। What Three Words has given every 3 meter square in the world a unique combination of three words. तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ ये वर्ड थ्री वर्ड्स के थ्रू आप कर सकते हैं, नेविगेशन वगैरह कर सकते हैं और एग्जैक्टली आपकी गाड़ी कहाँ पे पार्क है ना, वो भी आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। तो ये है वर्ड थ्री वर्ड, अच्छी सी मीन्स एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन इन्होंने डेवलप की है, तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा ये FM रेडियो अगर आपके वहाँ पर चलता है तो उसका पोर्ट है, USB मेरी सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे USB ये दिखा रहा है आपको, वाइट पे दिखा रहा है, लेकिन अगर जब मैं इसको निकाल दूंगा तो ये हट जाएगा यहाँ से। देखिए अभी ये हट गया यहाँ से, USB रिमूव्ड, यानी कि USB मैंने निकाल दी है। तो इसको मैं दोबारा से लगा देता हूँ, ये मैंने दोबारा से लगा दी। अब यहाँ पे उसके बाद देखिए वॉइस कमांड, यानी कि वॉइस कमांड के थ्रू ना आपका अगर फ़ोन कनेक्ट है इससे, तो वॉइस कमांड के थ्रू आप इसमें कॉल वगैरह कर सकते हो। मेरा फ़ोन कनेक्टेड तो है बट मेरा फ़ोन अभी फ्लाइट मोड में है, तो ये कमांड लेता है या नहीं लेता है, नहीं लेगा मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेते फिर भी। वॉइस कमांड में मैंने क्लिक किया, कॉल पापा, से अ कमांड, कॉल पापा, नो नेटवर्क सिग्नल। तो देखिए ये बता रहा है कि नो नेटवर्क सिग्नल, यानी कि सिग्नल्स नहीं है। सिग्नल क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड में, अगर मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड में नहीं होता तो ये क्या करता, मेरे पिताजी को कॉल लगा लेता। तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। देन देखिए ऑडियो सेटअप, यानी कि आप ऑडियो में कुछ भी अगर चेंजेज यहाँ से करना चाहते हो, तो बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं, तो आप इसमें यहाँ से चेंज कर, इसका आपको बेस चेंज करना है, मिड, जो भी आपको चेंज करना है सब कुछ है। और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग मोड दिए गए हैं, किस मोड पर आपको गाना सुनना है, ये सारे मोड यहाँ दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ से आप जो स्पीकर्स का है ना, उसको आप कर सकते हो कि आप फ्रंट में सुनना चाह रहे हो या रियर में सुनना चाह रहे हो या इसको रीसेट करना चाहते हो, सब कुछ आप यहाँ से ऑडियो का सेटअप यहाँ से कर सकते हो। तो इसको बैक कर लेते हैं। देन BT ऑडियो, यहाँ पे ये भी वाइट दिखा रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन अभी इसके साथ कनेक्टेड है, इसकी वजह से वाइट दिखा रहा है। अगर फ़ोन इसमें कनेक्टेड नहीं होगा तो ये जो है कि वाइट नहीं दिखाएगा। देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स, मेरे फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। डूडल, डूडल में क्या है ना, स्टिकर्स वगैरह आप सेव करके रख सकते हो, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और ड्राइव नेक्स्ट, इसके बारे में मैंने पूरा अलग से एक वीडियो बना रखा है ड्राइव नेक्स्ट के बारे में, वो आप जाके देख सकते हो। आपका जो इको स्कोर है ना, गाड़ी का इको स्कोर, वो ड्राइव नेक्स्ट में आपको पूरा बताता है, जो फ्रंट में भी दिखा रहा था वही चीज़ है। फेवरेट्स वगैरह, यहाँ पर अगर आपको कुछ रखना है फेवरेट मार्क करके, स्टार मार्क करके, तो उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इसको बैक कर लेते हैं यहाँ से। देन
आईपॉड वगैरह अगर इसमें कनेक्टेड है तो आईपॉड का साइन यहाँ पे दिखाएगा। पार्क असिस्ट मैंने आपको बता रखा है कि जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो चलती हुई गाड़ी में हम पीछे का भी व्यू देख सकते हैं कि पीछे कैसा, मतलब क्या है, कैसा है, जो कुछ भी आप देखना चाहते हैं चलती हुई गाड़ी में वहाँ से आप देख सकते हैं। ये फ़ोन, मेरा फ़ोन यहाँ पर कनेक्टेड है तो यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा है कि कौन किसको मैंने कॉल किया वगैरह सब कुछ। फ़ोन सेटअप अगर हमने कुछ करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। और सेटिंग इसमें मतलब सभी प्रकार की सेटिंग है। व्हीकल सेटअप, व्हीकल सेटअप में अगर हम जाते हैं यहाँ के पार्क असिस्ट, लाइटिंग वगैरह, वॉइस अलर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ से हम इसको सेट कर सकते हैं। व्हीकल का जो भी है ऑडियो सेटअप, वो पीछे मैंने जो आपको दिखाया था सेम वही चीज़ यहाँ पे खुल के आती है। फ़ोन सेटअप, फ़ोन को कनेक्ट करना है क्या करना है वो चीज़ यहाँ से खुल के आएगी। वॉल्यूम सेटअप, वॉल्यूम को कितना बढ़ाना है कितना घटाना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है आपका सिस्टम सेटअप। ये जो आपको सिस्टम है इसमें डेट और टाइम सेट करने का, या इसको आप रीसेट करना चाहते हैं जैसा कि फैक्ट्री मेड आता है वैसा बनाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से हो जाता है। देन सेटअप के बाद थीम, जो थीम का जो है ना, थीम इसमें केवल अभी एक ही है जो आप इसमें देख रहे हैं, इसके अलावा कोई भी थीम नहीं है। शायद नेक्स्ट अपडेट में वो थीम मुझे यहाँ से कुछ मिल जाएंगी। तो सॉफ्टवेयर डिटेल्स, जो इसमें सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वो दिखाएगा। अबाउट यानी कि सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताएगा अबाउट सेक्शन में। देन इसके बाद साउंड डेमो, इसमें साउंड डेमो दे रखे हैं। साउंड डेमो यानी कि इसमें तीन साउंड डेमो दे रखे हैं। देखो ये तो मेरे को जो फेवरेट है मेरा इंडिया ट्रैवल, मैं आपको इसको सुनाता हूँ कैसा इसका साउंड डेमो दे रखा है। फ्रेंड्स ये साउंड डेमो काफ़ी बढ़िया इसका साउंड है, मैंने आपको बता रखा है, इसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, चेक कर सकते हैं उसको आप जिसने नहीं देखा है। तो ये है। और लास्ट में एक जो इसमें लास्ट ऑप्शन मिलेगा वो मिलता है थीम्स का। थीम्स मतलब कि अभी फिलहाल एक ही थीम है जो आप ब्लू कलर की देख रहे हैं, इसके अलावा कोई भी थीम नहीं है। और इतने ही फीचर्स जो है फिलहाल ये हरमन का म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे हमें दे रहा है। तो ये सबको जानकारी, यही जानकारी थी इस वीडियो में, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।